ऑलमोस्ट 6-7 स्कूटर्स थे जो ओपन में थे उनके। ये मैंने कहा था, ये देखिए, अगर ये डबल स्टैंड पे होता तो हो सकता था। देखिए ये एक नारियल का पेड़ है और ये एक नारियल का पेड़ है, सो ये दोनों जो पेड़ है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, कुछ हफ्तों से सिर्फ लाइव आ रहा था एंड ब्लॉग और वीडियो कुछ बना नहीं रहा था। अपसेट था, लेकिन वो चीज़ों का आप लोग ने इतना मोटिवेशन दे दिया कि चलो वापस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वापस वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे वीडियो स्टार्ट नहीं करना था, ऐसा ब्लॉग नहीं बनाना था, बट आप लोग को पता ही है कि मैं मुंबई में रहता हूँ एंड मेरे घर से अरेबियन सी के ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूरी है। एंड आप लोग को पता है कि आज जो कि 3 जून है, साइक्लोन निसर्ग आने वाला है एंड ऑलमोस्ट अभी 2 बज रहे हैं, 1 घंटे के अंदर ये मुंबई को हिट कर देगा। अलीबाग में हिट कर चुका है, कल से हम लोग विंडी ऐप एंड आज तक जो भी न्यूज़ चैनल है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। गाइडलाइंस पूरे सारी चीज़ें कर लिया, पावर बैंक चार्ज कर लिया, डॉक्यूमेंट को बैग के अंदर रख लिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके हम लोग निकल सकते हैं। मैं एकदम नज़दीक रहता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डर है वो हम लोग को है, क्योंकि हम लोग एकदम सामने रहते हैं एंड अगर आएगा तो सबसे पहले हम लोग को हिट करेगा, बाकी लोगों के पास थोड़ा टाइम से जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको डॉक्यूमेंट कर लूँ, व्लॉग बना लूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एंड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है बट सारी प्रिकॉशंस लेके रखी हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे यहाँ पे अभी सिर्फ नॉर्मल बारिश हो रही है एंड थोड़ा मोड़ा हवा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जब भी थोड़ा सा हवा फास्ट हो रहा है ना तो डर लग रहा है कि भाई आ जाएगा आ जाएगा। ढाई बजे के आसपास गुजरात में इसका असर देखा जाएगा, लेकिन खतरे की घंटी, खतरे का सायरन बज चुका है। एक चीज और दिमाग में आई कि जितने भी बाइक्स है ना उसको जाके ना मैं डबल स्टैंड पे लगा देता हूँ, क्योंकि अगर साइक्लोन आया है सिंगल स्टैंड पे है तो हो सकता है कि वो लोग जो साइक्लोन है उसकी वजह से बाइक्स और जो स्कूटर्स है वो यहाँ वहाँ चलने लगे हैं। डबल स्टैंड पे रहेगा तो थोड़ा हो सकता है, क्योंकि सिंगल स्टैंड पे अगर वो गिर सकते हैं, डैमेज हो सकता है, तो सोच रहा हूँ कि जाऊँ नीचे। बस 6-7 स्कूटर्स थे जो ओपन में थे, उनके जो साइड स्टैंड पे थे उनको सबको डबल स्टैंड पे लगा लिया, इसको लगा दिया, उसको लगा दिया, देन इसको लगा दिया, यहाँ पे दोनों थे उन सबको लगा दिया। तो यही था कि क्योंकि ये ओपन में है, बाकी जितने भी हैं वो अंदर हैं तो ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट ये जो ओपन में है ना इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये एक स्टैंड पे है तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा ज़ोर से हवा है तो ये स्टैंड से निकल जाए, स्टैंड पर अगर गिर गए तो प्रॉब्लम दे सकते हैं एंड डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए आके नीचे एंड थोड़ा नीचे भी देख लिया कि क्या है। बस यही सारी चीज़ें प्रिकॉशंस थी वो हम लोगों ने ले लिए, बिल्डिंग में सबको बता दिया था, तो बस इसी के लिए नीचे आया था, वापस ऊपर गया था। जो जो चीज़ें कर सकते थे वो सारी चीज़ें तो कर दी, अब देखते ऊपर जाके वेट करते हैं। टाइम तो आप लोग ने देख ही लिया, तो ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं, बारिश चालू हो गया है बहुत तेज़, हवा भी थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो 3 बजे के आसपास आने वाला था तूफान, वो तो नहीं लग रहा है कि अभी आ रहा है, बट हवा और बारिश तो एकदम बहुत तेज़ से हो गया है। और मेरे घर के, मैं 7th फ्लोर पर रहता हूँ तो यहाँ वहाँ जितने भी एरियाज है वहाँ पे सब पिजन्स अपना हाइड कर रहे हैं। कबूतरों को भी पता है कि कुछ होने वाला है एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी कबूतर है, यहाँ भी जहाँ पे उनको जगह मिल रही है वहाँ पे वो लोग अपने आप को सेफ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं यार कैसे मुंबई इसको झेल पाता है, अगर आएगा तो कैसे हम झेलते, नहीं आएगा तो बहुत अच्छा होगा, बट जहाँ तक आसार लग रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो आएगा, बिकॉज जून के फर्स्ट वीक में इतनी बारिश पहले नहीं होती थी बट अब वापस स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा डर लग रहा है। अरे
शिट। ओ बाबा, ये देखिए मैंने कहा था, ये देखिए अगर ये डबल स्टैंड पे होता तो हो सकता था कि नहीं गिरता ये। देखो ये सिंगल स्टैंड पे इसके लिए गिर गया। दोनों बाइक आप देख सकते हो सिंगल स्टैंड पे है एंड इसकी वजह से हवा आया और गिर गया। अब गिरने से क्या होगा, ये ड्रैग हो सकता है, तो इसके लिए डबल स्टैंड पे रखना जरूरी था एंड वही मैंने नीचे जाके किया। 3:30 हो रहा है एंड बारिश तेज हो गई है भाई, डर लग रहा है मेरे को। इशू क्या लग रहा है मालूम है कि एक्चुअली ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे आजू बाजू के जो एरिया है यहाँ पे ना बीच में चॉल्स के बीच में दो नारियल के पेड़ है। देखिए ये एक नारियल का पेड़ है और ये एक नारियल का पेड़ है। सो ये दोनों जो पेड़ है, वैसे तो नारियल के पेड़ को साइक्लोन से कुछ होता नहीं है, बट डर ये लग रहा है कि सपोर्टिंग में कोई और झाड़ नहीं है ना, तो हो सकता है कि क्या पता ये टूट जाए घर पे गिर जाए। नारियल के पेड़ आप लोग को पता ही है कि अगर वो गिर गया तो क्या हालत होगी। प्रॉब्लम मेरे को यही लग रहा है कि अगर ज़ोर से हवा आई एंड अगर ये पेड़ उखड़ गए तो ये हो सकता है कि घर में गिर जाए। एंड घर पर गिरेंगे क्योंकि आजू बाजू जितने भी घर है ना, वो दोनों घर के ऊपर टेरिस नहीं है, वो दोनों घर छपरों के घर है एंड छपरों पर गिरेगा तो हो सकता है कि घर में वो छपरा टूट के गिरे, घर वाले इंजर्ड हो जाए। और अगर ज़ोर से हवा आएगी तो मैं खिड़की बंद कर दूंगा। ज़ोर से हवा नहीं आ रही है, सिर्फ बारिश ज़ोर से हुई है, हवा ज़ोर से नहीं आ रही है, उसके लिए खिड़की बंद नहीं किया। बट अभी वही नीचे गया था जब स्टैंड्स पे लगाने बाइक को, तब मैंने ये नोटिस किया कि ये दोनों पेड़ अकेले हैं। भाई जोर से बारिश शुरू हो गई है, यहाँ इतना नहीं लग रहा है लेकिन वहां देखो पीछे। 4:00 बारिश जोर से स्टार्ट हो गई है, देखते हैं साइक्लोन आता है या नहीं आता। तो अभी टाइम हो रहा है 4:35। तो 4:35 मतलब 3:00 के आसपास IMD ने बोला था कि मुंबई में साइक्लोन हिट करेगा, 100 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइक्लोन आने वाला है। 3:00 के आसपास बारिश हुई थी, थोड़ा हवा चल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि आ जाएगा, बट जब विंडी ऐप में देखा तो अभी विंडी ऐप में देखते हैं क्या है। तो विंडी ऐप में आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि 3:00 के आसपास एकदम मुंबई के आसपास ही था, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। एंड अब 3:00 के बाद हो गया है तो 6:00 का जो टाइम स्लॉट है वहाँ पे जाके देखते क्या होता है। तो 6:00 के आसपास आप लोग देख रहे हैं कि मुंबई जो है वो ग्रे एरिया में, मतलब मेरा जो एरिया वो आप देख रहे हो कि ब्लिंक कर रहा है, वो ग्रे एरिया में, मतलब साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो कम होने वाला है। एंड अब ये धीरे धीरे जो साइक्लोन है वो नासिक की गतपुरी होते हुए फेड हो जाएगा। पहले स्टार्ट हुआ था कि पालघर में हिट होने वाला है, फिर वहाँ से मुंबई आया, मुंबई से फिर अलीबाग गया, अलीबाग में हिट हुआ, अलीबाग से पेंड गया, पेंड से नासिक एंड अब इगतपुरी जाके ये फेड हो जाएगा। तो जो हम लोग अलर्ट हुए थे, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग अलर्ट हो गए एंड इसकी वजह से क्या होगा कि अब हमको पता है कि जब ऐसे कुछ चीज़ आएगा तो हमको क्या करना चाहिए। पवेली के आसपास NDRF के लोग थे, मैं भी कोस्टल एरिया के आसपास ही रहता हूँ, 1 किलोमीटर दूर पे ही मेरे को अरेबियन सी दिखता है, तो वहाँ पे भी लोग थे। जब मैं नीचे बाइक स्टैंड पे लगाने गया था तो मैंने वहाँ पे देख लिया कि लोग थे वहाँ पे, जो हम लोग अलर्ट थे एंड प्रिपेयर थे कि अगर कुछ वर्स्ट होगा तो लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। तो मतलब इस मामले में तो हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से अलर्ट रह के एंड अच्छी तरीके से तैयारी करके सारी सब चीज़ें अच्छी की थी। बट ये हुआ कि साइक्लोन आया नहीं एंड साइक्लोन आया भी तो बहुत ऐसे जगहों पे आया है जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे सोलर पैनल्स उड़ गए, कहीं कहीं पे किसी के छपरे उड़ गए, पेड़ गिर गए हैं, बट ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, लाइव्स नहीं गई है। पहले ही कोरोना से मरे पड़े थे, अब यहाँ पे ये अगर आ जाता तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाते। जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हुआ वो तो सब लोग ने देखा ही। तो ये चीज़ से हमको ये सबक मिल गया कि भाई नेचर के साथ हम खेल नहीं सकते। जो भी ये चीज़ हो रहा है ये इंडिकेशन है कि हम लोगों ने नेचर की इतनी वाट लगाई हुई थी, तो हम लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देते बिकॉज मैं सोच रहा था कि साइक्लोन आएगा तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, जो भी कुछ होगा वो सारी चीज़ें होंगे, बट अब पता चल गया कि नहीं आने वाला साइक्लोन। तो ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। 95% लोग जो वीडियो देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद। नहीं आया यार, पूछ के।